नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सपने में हनुमान चालीसा पढ़ने का मतलब शुभ या अशुभ क्या है। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा बहुत ही शक्तिशाली होता है, इसमें सभी बातों का सार होता है। जो कोई अपने दैनिक जीवन में रोजाना हनुमान जी का चालीसा पढ़ता है तो ऐसे व्यक्ति को किसी तरह के संकट का डर नहीं रहता, उसका जीवन एक चक्र में सुरक्षित होते जाता है। लेकिन अगर क्या हो किसी को खुद सपने में हनुमान चालीसा पढ़ना या बोलते हुए सुनते हुए दिखाई दे, पाठ करते हुए दिखाई दे, इस तरह हनुमान जी का चालीसा पढ़ने का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ हम आपको इस बारे में पूरी गहराई से बताने वाले हैं। बिना कारण के एक पत्ता भी नहीं हिलता, हर एक बात के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। ठीक इसी तरह हनुमान चालीसा का दिखाई देना भी अर्थ रखता है। ऐसा देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर किसी भगवान के प्रति भावना प्रगाढ़ होने लगती है तो उसे स्वप्न में भगवान जरूर दिखाई देते हैं। सपने में हनुमान चालीसा पढ़ने का मतलब स्वप्न में हनुमान चालीसा पढ़ते दिखाई देना या बोलना सुनना या खुद को पाठ करते हुए देखना हर तरह से शुभ होता है, इसमें अशुभ जैसा कुछ भी नहीं। यह हनुमान चालीसा के सिद्ध होने का सूचक भी हो सकता है। ऐसे स्वप्न बहुत कम ही लोगों को आते हैं। आप अध्यात्म में सही जा रहे हैं और आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। अगर आप काफी समय से चालीसा पढ़ते आ रहे हैं तो समझे कि बजरंगबली आपसे प्रसन्न हो गए हैं और हनुमान चालीसा सिद्ध होने लगा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो हनुमान चालीसा गाना, सुनना या खुद पढ़ते हुए देखना अति शुभ होता है। यह हर प्रकार से शुभ होता है और आपके अंदर शुभता के बढ़ने का सूचक, भक्ति बढ़ने का सूचक होता है। ज्योतिषियों की माने तो हनुमान चालीसा देखना, सुनना या पढ़ना आपके अंदर हो रही आध्यात्मिक प्रगति को दर्शाता है। हनुमान जी आपसे प्रसन्न है, आपकी भक्ति से प्रसन्न है। यह आपके लिए एक मौका है, अगर आप अपनी भक्ति को जारी रखते हैं तो आपको किसी अभीष्ट की सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। जो हनुमान चालीसा का नियमित पाठन करता हो और उसे ऐसा स्वप्न आए तो यह बहुत ही शुभ शकुन होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह स्वप्न बताता है कि हनुमान चालीसा आपकी रगोंरगों में बस गया है। हनुमान चालीसा आपके अंदर इतना गहरा जा चुका है कि वह स्वप्न में भी आपको दिखाई देने लगा है, जो कि बेहद शुभ संकेत है। आपके तन मन में हनुमान चालीसा बस गया है, इस तरह से आप काफी शुद्ध व्यक्ति होंगे, आपकी चेतना काफी शुद्ध और निर्मल हो चुकी है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता हो और ऐसे व्यक्ति को हनुमान चालीसा दिखाई दे तो उसे अपने जीवन में जल्द ही चालीसा पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा जब कोई चालीसा नहीं पढ़ता हो और उसे स्वप्न में चालीसा आए तो समझे कि उसके अंदर कहीं न कहीं हनुमान चालीसा पढ़ने की कोई गहरी अभीप्सा है, इच्छा है जो वह कर नहीं पाया है। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति ने इस जन्म में कभी कोई इच्छा नहीं की हो, क्या पता पिछले जन्म में उसकी गहरी प्यास रही हो और वह पूरा नहीं कर पाया हो। मनोचिकित्सकों के अनुसार जब कोई व्यक्ति दिन में किसी बात के बारे में बार बार सोचता है और उसे कर नहीं पाता है, लेकिन वह उसे करने का सोचता रहता है तो वही बात उसे नींद में, स्वप्न में दिखाई दे जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं दोस्तों के साथ वहाँ घूमने जाऊंगा और जब बार बार सोचते रहते तो एक दिन हमें ऐसा सपना आता है जिसमें हम कहीं दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं। इस तरह मनोचिकित्सकों की माने तो यह सिर्फ आपके मन में हनुमान चालीसा को लेकर या हनुमान जी से जुड़ी किसी बात को लेकर सोचने विचारने के कारण से आया है। वैसे हम इस जगह मनोचिकित्सकों की बात से सहमत नहीं है। हाँ, उनका कहना सही है, लेकिन हनुमान चालीसा को देखने की इस दृष्टि से पूरी तरह से राजी नहीं है। अगर कोई रात में 3 बजे के बाद और सुबह उठने के पहले यह स्वप्न देखे तो समझे कि यह शुद्ध स्वप्न है और बताए गए अर्थ इस पर जरूर ही लागू होंगे। इसके अलावा बाकी समय में देखा गया चालीसा का स्वप्न निष्फल और निर्थक होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।